हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट योर होम। आई विल टीच यू जीके क्लास 3। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 6, न्यूट्रिशंस फूड। फूड इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। यू शुड ईट सम फूड फ्रॉम ईच पार्ट्स। फूड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट्स में। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 प्रोटीन्स, नंबर 3 विटामिन एंड मिनरल्स, नंबर 4 रूहेज। कार्बोहाइड्रेट्स, इट गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी। जिन फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो फूड हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। प्रोटीन्स, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जिन फूड्स में प्रोटीन्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। नंबर 3 विटामिन एंड मिनरल्स, दे हेल्प इन हेल्डिंग वाउंड्स एंड बूब्स आवर इम्यूनी सिस्टम। इन फूड्स में विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं वो हमारे इम्यूनी सिस्टम में हेल्पफुल होते हैं। नंबर 4 रोहेज, दीज आर द फाइबर्स प्रजेंट इन फूड विच हेल्प्स इन डाइजेस्टन। इन फूड्स में रोहेज होता है, फाइबर्स होता है, वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं डाइजेस्टन के लिए। डाइट वेरियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सम पीपल आर वेजिटेरियंस हु डू नॉट ईट नॉन वेज फूड। कुछ पर्सन क्या होते हैं? वेजिटेरियंस होते हैं, वह नॉन वेज फूड नहीं खाते हैं। दे डिपेंड ऑन ग्रीन वेजिटेबल्स, वे किन पर डिपेंड होते हैं? वेजिटेबल्स एंड बीन्स, दालों पर, विच आर इसेंशियल फॉर आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी के लिए लाभदायक होते हैं। यू शुड ईट बैलेंस्ड डाइट सो दैट यू कैन नॉट बी ओवर वेट। अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे तो आप ओवर वेट यानी आपका वेट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। नंबर 1 व्हाट सॉर्ट ऑफ फूड वुड मेक यू ओवर वेट। नंबर 2 राइट द नेम्स एंड पेस्ट पिक्चर्स। हमें उनकी पिक्चर्स पेस्ट करनी है जो फूड हमें ओवर वेट बनाते हैं। वैसे तो हमें फास्ट फूड ही ओवर वेट बनाते हैं, जो स्ट्रीट फूड होते हैं फास्ट फूड, इसलिए मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें जो होती है फास्ट फूड जो होते हैं वो हमें नुकसान देते हैं और इनसे हमारा वेट बढ़ता है। आपको ये अपनी बुक में फिल करना है, और आपको अगर पिक्चर्स ड्रा कर सकते हैं तो आप पिक्चर ड्रा कर सकते हैं, एंड अगर आपके पास पिक्चर है तो आप पिक्चर पेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक, दिस इज़ योर होमवर्क। डू योर होमवर्क इन योर बुक। Your 4th, 6th chapter, Nutrient Foods is complete. Goodbye.